खबर चमोली से है, जहां 11 दिसंबर से खेल मैदान मैठाणा में अलकनंदा पर्यटन विकास कृषि मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज मेला समिति द्वारा अहम बैठक आयोजित कर मेले की रूपरेखा तैयार की गई। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर मेला समिति ने तैयारी को लेकर अंतिम स्वरूप दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष विक्रम बर्टवाल ने बताया कि पूरे क्षेत्र की महिला मंगल दलों के द्वारा यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मेले के माध्यम से जनता अपनी समस्या रख पाएगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मेला पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों को एक जोड़ता है। इसमें क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हर आदमी हम सरकार के द्वार, सरकार सुनती नहीं सरकार के पास, तो जैसे मेला शुरू होता है यहाँ पर हमारी सरकार हमारे द्वार आएगी, हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को देखेगी, उसके बाद उस पर विचार करेगी। पूरी जो सरकारी तंत्र है, हमारा जो गरीब आदमी है हर जगह हर ऑफिस में नहीं जा पाता, ऑफिस वाले सुनते नहीं है, उसके बाद सारे हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो समाज कल्याण हो या कृषि विभाग हो, जो भी हमारे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, सबके स्टॉल यहाँ पर लगेंगे। और आम जनता, हमारे क्षेत्र की आम जनता, गरीब जनता, अपना जिसका भी छोटा मोटा काम है सरकारी, तो वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर उस स्टॉल में जाके वो काम करेंगे, और उस टाइम पर जो भी कर्मचारी है वो उसी काम के लिए यहाँ पर होंगे। तो जनता के सभी काम बहुत जल्दी होंगे, और क्षेत्र के विकास में क्षेत्र की जो कमियां होंगी, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, मंत्री जी आए, जो भी, चाहे विधायक जी आए, वो क्षेत्र के बारे में सोचेंगे और यहाँ पे घोषणाएं भी करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मेला 11 से और 15 तक हमारा चतुर्थ मेला कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सबसे विशेष जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, विशेष स्थानीय उत्पाद एवं संस्कृति को बढ़ावा, हंस फाउंडेशन एवं पतंजलि से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी हैं, और जो हमारी क्षेत्र की तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, और महिला सशक्तिकरण पर हमारा विशेष वो रहता है, फोकस रहता है।